पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी ने राम जी के नाम को जिस तरीके से इस्तेमाल करना था और राम जी के नाम को जिस तरीके से बदनाम करना था वो लगातार उसमें महारत हासिल करती चली गई, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी इसी दम पर सत्ता में आई और 2017 में प्रदेश में आई कि राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बनाने के जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं, पर अब किस चीज पर वोट मांगे जाएंगे ये एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हो गया है। अयोध्या का जिक्र कर करके जो तस्वीरें देश भर से सामने आई उसे देश के तमाम लोगों ने देखा और अब अयोध्या की तस्वीर पीछे छूटते हुए मथुरा की तस्वीर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से फोकस कर दिया है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 2022 के, तो मथुरा की याद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सताने लगी है और नेताओं को तस्वीरें इसलिए सताने लगी हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला मथुरा में चल रहा है, उसकी सुनवाई होना बाकी है, पर तमाम राजनेताओं ने फिर से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से शहीद किया गया था उन तस्वीरों को दोहराना शुरू कर दिया है, जिसमें शुरुआत हुई श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं। क्या कुछ उन्होंने इस ट्वीट में कहा है पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें ये दृश्य मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर से सटी मस्जिद की तस्वीर शेयर कर बीजेपी सांसद का कलेजा कटता है। मस्जिद को देख करके वो कांटे की तरह मस्जिद इनके हृदय पर चुभ रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मथुरा के कृष्ण मंदिर और उससे सटी मस्जिद की तस्वीर शेयर की। ट्वीट के साथ ही हरनाथ ने लिखा कि ये दृश्य मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभती है। एटा के निवासी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ ने सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ट्वीट किया, संसद ने मथुरा का कृष्ण जन्मस्थल मंदिर और इससे सटी हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद तथा हजारों लोगों की भीड़ की तस्वीर शेयर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर वाद मथुरा के जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में 6 सितंबर को सुनवाई होगी। सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या मथुरा और काशी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मांस और मंदिर पर प्रतिबंध लगाने की भी अपील की थी। उन्होंने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश के विभाजन की विभिषिका को स्मृति दिवस के तौर पर स्कूल के सिलेबस में शामिल किए जाने की गुजारिश की थी। राज्यसभा में सक्रिय रहने वाले हरनाथ को 3 मंत्रालयों का सदस्य मनोनीत किया गया है। इससे पहले वे 3 मंत्रालयों और समित के सलाहकार के पद पर थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही शैक्षणिक कार्य को हिंदी में ही कराए जाने की मांग उठाई थी। अंग्रेजी को केवल वैकल्पिक विषय रखे जाने की बात कही गई थी। ये तस्वीरें हरनाथ सिंह द्वारा सामने रखी गई जहाँ वो अपील करते हैं और जन्माष्टमी के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी मथुरा पहुंचते हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर और वहां से बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, जिसमें चुनाव आते ही मथुरा की याद अब भाजपाई नेताओं को सताने लगी है। आपको बता दें कि आखिरकार भाजपा और राज्य सरकार को मथुरा की याद आ गई है। इसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि चुनाव नजदीक आने पर अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी की याद आएगी। आखिर अयोध्या आंदोलन के समय विश्व हिंदू परिषद का ये नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भाजपा के नेता भी ये नारा लगाते थे। चूंकि अयोध्या में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण शुरू कर दिया गया है, इससे उसमें वोट दिलाने की बहुत क्षमता नहीं है, पर मथुरा और काशी में काफी संभावना है। काशी में विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। गंगा तट से मंदिर तक का कॉरिडोर बन रहा है।
पर यह अभी स्पष्ट नहीं है कि विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोई अभियान विधानसभा चुनाव से पहले चलेगा या इस आगे के चुनाव के लिए आरक्षित रखा जाएगा। पिछले दिनों अंग्रेजी के एक साप्ताहिक अखबार ने इसे लेकर स्टोरी छापी जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुनर्निर्माण की जरूरत बताई गई। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस स्टोरी को ट्वीट किया था। इसी तरह मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर के साथ ईदगाह है जिसे हटाने का हिंदू संगठन का पुराना एजेंडा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले दिनों मथुरा के दौरे में ब्रिज के विकास और सौंदर्यकरण की बात कही जिसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। सोचें 4.5 साल तक सरकार चलाने के बाद महंत जी को अचानक ध्यान आया कि कृष्ण की जन्मस्थली पर मांस और शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। मथुरा में 40% के करीब आबादी मुस्लिम और दलित की है। इसके अलावा भी मांस खाने वाले दूसरे समुदाय में भी लोग हैं। इसके कारोबार से जुड़े लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन सरकार को चुनाव को धार्मिक रंग देना है इसलिए सबको दूध बेचने के कारोबार में लगाने का ऐलान कर दिया गया। इस तरह के मनमाने फैसले आने वाले दिनों में बहुत देखने को मिल सकते हैं। ये तस्वीरें मथुरा की सरजमी से सामने आ रही है जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद और ईदगाह भारतीय जनता पार्टी के हृदय पर कांटे की तरह चुभ रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से भी कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार 4.5 साल तक क्या इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 4.5 साल पहले तक आपने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, अब काशी मथुरा झांकी है कि नाम पर मांगेंगे। तो वहीं आपके गुंडे मथुरा में एक मुस्लिम डोसे वाले के पास पहुंचते हैं और नारा लगाते हैं कि कृष्ण भक्तों युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। इन सब नारों का मतलब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आने वाले समय पर ज्ञानव्यापी मस्जिद और ईदगाह को लेकर के एक बड़ी तैयारी कुछ संगठनों की चल रही है जिस पर फिर से सांप्रदायिक आग लगाई जा सके और इसे भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।